दोस्तों वो दिन बिल्कुल दूर नहीं जब सीमा पर देखरेख के साथ साथ युद्ध करने और युद्ध करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आने वाला वक्त पारंपरिक युद्ध के बजाय रोबोटिक युद्ध का होगा और यही वजह है कि भारत आने वाले युद्ध से निपटने के लिए अपनी सेना में रोबोटिक आर्मी तैनात करने की शुरुआत कर चुका है। भारत के आने वाले ये रोबोटिक हथियार ऐसे वैसे हथियार नहीं होंगे, बल्कि ये AI तकनीक से लैस होंगे, जो हर वक्त हमले के लिए तैयार होंगे और हमला ऐसा वैसा नहीं बल्कि सटीक और एकदम घातक करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की उन शक्ति के बारे में जानेंगे जो भारत को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं चीन के रोबोटिक्स आर्मी की, क्योंकि दुश्मन अपनी सैन्य ताकत को किस हद तक बढ़ा रहा है यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो अब बात करें चीन के रोबोटिक आर्मी की, तो चीन ने भी हाल ही में बॉर्डर पर ऐसे रोबोट्स को तैनात किए है जो पूरे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। इन सभी रोबोट्स में मशीन गन लगी हुई है। ये आज की तारीख में तिब्बत की जमीन पर गश्त लगा रहे हैं। करीब दर्जन भर रोबोट्स LOC और तिब्बत की सीमा पर चीन द्वारा तैनात किए जा चुके हैं। इस समय जब चीन की आर्मी से जवाब तलब किया गया कि आखिर इन रोबोट को भेजने के पीछे उनकी क्या मंशा है, तब चीन का यह कहना था कि उनके सैनिक हिमालय की ऊंची एल्टीट्यूड की वजह से बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा सीमा पर तैनात उनके कमांडरों को बदल दिया गया है, इसीलिए चीन ने अपनी रोबोट आर्मी वहाँ पर तैनात की है ताकि कोई इंसानी नुकसान न हो। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ चीन ही नहीं कर रहा है, बल्कि रूस, अमेरिका, इजराइल और हमारा भारत देश भी इन सभी चीजों को देखते हुए यह करने जा रहा है। भारत के वैज्ञानिक भविष्य के युद्ध को देखते हुए रोबोटिक हथियार पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऐसे रोबोट्स पर काम कर रहे हैं जो भारतीय सीमा पर गश्त करेंगे। ये रोबोट्स हर तरह के मौसम और दुर्गम से दुर्गम रास्तों पर चलने में सक्षम होंगे। बता दें कि यह रोबोट्स चीनी रोबोट्स से भी अत्याधुनिक होंगे। इन रोबोट्स को भारत के इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। बता दें कि भारत ने अपने पहले रिस्पोंडर रोबोट पर दिसंबर 2018 से ही काम करना शुरू कर दिया था और दावा किया जा रहा है कि रोबोट के प्रोटोटाइप को साल 2019 में ही तैयार कर लिया गया था। फिलहाल भारत के 80 से ज्यादा वैज्ञानिक इन रोबोट को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। भविष्य में इंडियन एवेंजर्स के तौर पर जाने वाले इन रोबोट्स में कई खूबियां होंगी। इन रोबोट्स में कई तरीके के सेंसर्स होंगे। इनको इस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा कि यह खतरे के वक्त कंट्रोल सेंटर से संपर्क करेंगे, वैसे ही जैसे कि इजराइल के रोबो गार्ड करते हैं। प्रत्यक्ष जानकारों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्म्ड फोर्स के काम करने के तरीकों को बदल कर रख देंगे। दुनिया में कई बड़ी कंपनियां जैसे आई रोबोट कॉरपोरेशन, ग्रुप BAE सिस्टम और जनरल डायनेमिक जैसे कॉरपोरेशन रोबोट्स बनाने पर काम कर रही है जो सीमाओं पर गश्त लगाएंगे। और जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के 3,323 किलोमीटर की जो सीमा है वह पाकिस्तान से मिलती है, जिसे ज्यादातर क्षेत्रों को पाकिस्तान में फेंस लगाकर सुरक्षित कर रखा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ फेंसिंग लगाना नामुमकिन है। यही से पाकिस्तान भारत के आतंकी घुसपैठ करवाता है। लेकिन रोबोट्स के आ जाने से यहाँ पर भी निगरानी चौकसी हो सकेगी। भारत ने पिछले साल दिसंबर में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कार्यक्रम शुरू किया है ताकि घुसपैठ को नाकाम किया जा सके। कहा जा सकता है कि सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद उनकी ताकत में इजाफा होगा और साथ ही हमारे जवान ज्यादा महफूज भी हो सकेंगे। दोस्तों अगर आप भी चाहेंगे कि हमारे भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हो जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय विज्ञान।